अष्टमी को दिन पारी मथुरा को कारागार मा आयो एउटा सन। जब देवकी माँ को कोख बाट लिए श्री कृष्ण भगवान ले जन। कंस ले लिनु भन्दा पहिले श्री कृष्ण को प्राण वसुदेव ले लिएर गए नन्द बाबा को गोकुल धाम। हाम्रो काना कति बहादुर छ है, अनि कति सुन्दर पनि छ। मधुबन में जो कन्हैया किसी को पीस मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है, गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है, सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। प्रेम को मूर्ति थीन बरसना की राधा, तर भाग्य ले भने मंजूर थिएन। मथुरा बासीलाई कंस बाट मुक्त गर्नका निम्ति कृष्णलाई छोड्नु पर्यो आफ्नी राधा। उनले आफ्नो जीवनमा धेरै भूमिकाहरू निभाएका थिए। सखा सुदामाको कृष्ण, पञ्चालीको भाइ, अर्जुनको साथी पानी कृष्ण र राधाको प्रेमको परछाई। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है।